हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका कुलदीप कौशिक। एक गुड न्यूज़ देनी थी आपको। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपनी गाड़ी का वेट कर रहा था, Z4 ऑटोमेटिक जो मैंने बुक किया है, फाइनली फ्रेंड उसकी डेट अपडेट हो गई है, उसकी डेट मुझे मिल गई है। इसी साल मुझे अपनी Z4 ऑटोमेटिक गाड़ी मिल जाएगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काश किसी तरह से मुझे एक ऑटोमेटिक डीजल की गाड़ी का मुझे ट्रायल मिल जाए। तो उसके लिए मैंने काफ़ी जद्दोजहद की, मेरी बात चल रही है महिंद्रा में, तो उन्होंने मेरे को बुलाया है कि आइए, हमारे पास गाड़ी आ गई है ऑटोमेटिक डीजल की, आइए और आप टेस्ट ड्राइव लीजिए। तो फ्रेंड मैं जा रहा हूँ उसकी टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, चलते हैं और आपसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फ्रेंड ये है वो गाड़ी जिसके सब दीवाने हैं। इस गाड़ी की जो फ्रंट है बहुत ही मस्त लगती है देखने में। ये गाड़ी ऐसी है फ्रेंड, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था, मैं पहली बार में ही आई वॉज इन लव विद दिस कार। पता नहीं गाड़ियों के मामले में थोड़ा मैं लकी रहा हूँ, चाहे वो इको स्पोर्ट हो, चाहे वो हमारी सफारी हो, चाहे हमारी अभी ये स्कॉर्पियो है। तो डेट तो मुझे मिल गई है, इस साल एंड तक मुझे ये गाड़ी पूरी मिलने की उम्मीद है। और भाई मैं जब भी शोरूम पे आता हूँ ना, मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है ये गाड़ी देख के। क्या देखिए, क्या फ्रंट बना रखा है। लेकिन ये देखना है कि मैंने जो Z4 ली है उसके अंदर ये तामझाम मिलता है नहीं मिलता, ये कैमरा मिलता नहीं मिलता। बट ये है कि यहाँ लोगो भी मिलेगा, ये क्रोम भी मिलेगा और ये भी मुझे मिलने की पूरी उम्मीद है। और उसके अंदर जो टायर है ना, ये टायर जो है 18 इंच के नहीं होंगे, 17 इंच के होंगे, लेकिन 17 इंच के टायर भी काफ़ी बड़े होते हैं। फिर देखूंगा कि इस गाड़ी में मैं क्या चेंज कराऊंगा। इस गाड़ी को फ्रेंड जब भी देखता हूँ ना मैं, मतलब मेरा घर जाने का मन नहीं करता, मन करता यार गाड़ी को मैं अपने साथ अपने घर ले जाऊँ। लेकिन अभी मेरी गाड़ी आने में टाइम है। और भाई कोई भी भाई जिसकी गाड़ी अभी ये आने वाली है, स्कॉर्पियो अगर आती है या कोई भी गाड़ी आपके पास है और आपको रिव्यू कराना है, तो प्लीज़ आप मेरे जीमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए, अपना नंबर शेयर कीजिए। जल्दी मिलेंगे और एक बहुत बढ़िया सा ब्लॉग बना के लोगों को दिखाएंगे, जिससे कि लोगों को हेल्प मिल जाती है कि कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कौन सी गाड़ी नहीं खरीदनी। तो फ्रेंड अभी टेस्ट ड्राइव लेते हैं आपको, और वो भी शेयर करते हैं टेस्ट ड्राइव। व्हाइट वाली गाड़ी है, उसका टेस्ट ड्राइव लेने चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं बैठ गया हूँ अपनी स्कॉर्पियो में, डीजल वाली गाड़ी मेरे सामने आ गई है। ये Z8 का मॉडल है और मैं इस गाड़ी को चलाऊँ। मैं गाड़ी स्टार्ट थी अभी, और वैसे ये इसमें सामने दिखता है, अभी गाड़ी मैंने बाहर निकाल ली है। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा ट्रैफिक से जैम रहता है। एक गोल्फ कोर्स पे आया हूँ मैं, DM महिंद्रा है ये। तो अभी ये गाड़ी भैया बंद की होगी। अच्छा ये सर आपका जो जिसे कह सकते हैं हम, बेनिफिट जो है हमारा इसका, ये फ्यूल को बचाता है सर। अच्छा अच्छा, जैसे रेड लाइट पे आप खड़े होते हो, ओके, तो उस पे जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे तो ये अपना आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। जैसे ही आप क्लच प्रेस करेंगे या एक्सीलेटर प्रेस करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। तो गाड़ी का यहाँ ले लो ऐसे। हाँ जी, तो गाड़ी का एसी बंद हो जाता है यार, है ना? नहीं सर, आपका सिर्फ इंजन बंद होता है। अच्छा, जिसके और सारा जो भी एसी है, देन आपका जो भी इंजन से रिलेटेड चीजें हैं, लाइक आपका बेल्ट लगा दी। अच्छा ओके, जैसे एसी है सर ये, और आपके फैन वगैरह, इग्निशन वगैरह सब चीज ऑन रहती है। ओके यार, ये बढ़िया था, मुझे लगा इस फंक्शन को मैं बंद भी कर सकता हूँ जब चाहूँ सर। हाँ जी, आपका साइड में बटन दिया हुआ है, उसमें आप इसको अपने हिसाब से ऑफ ऑन कर सकते हैं जब आपको जरूरत पड़े, क्योंकि यहाँ पे जो है गुड़गांव में बोनट टू बोनट, सॉरी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है ना सर, तो आप इसको ऑफ करना ही पड़ेगा। हाँ जी। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं अपनी डीजल गाड़ी चला रहा हूँ, और भाई स्कॉर्पियो को जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ, भाई पेट्रोल चलाई थी ऑलमोस्ट 19-21 का ही फर्क है। इस गाड़ी में भी भैया साइलेंट ही लग रहा है मुझे। आगे ले लूँ भैया जी, है ना भैया? आज भैया लास्ट टाइम तो क्या कि बड़ी मारा मारी हो रही थी, तो मुझे यहीं टर्न मराया था। तो अब मैं थोड़ा सा गाड़ी आगे ले चलता हूँ, शायद वो नीचे सबवे सा है, थोड़ा लंबा चलते हैं। अभी क्या इतने लोग नहीं आए हैं, लेकिन ये डीजल की गाड़ी है, ये Z8 है। लेकिन जैसे ही मैं ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर भैया एक्सलेट कर रहा हूँ, आवाज नहीं है भाई गाड़ी में। अभी मैं गाड़ी से उतर के भी दिखा दूंगा आपको। मैं डी ड्राइव पे है, बहुत ही कंफर्टेबल लग रही है गाड़ी चलाते हुए मेरे को। ये पीछे भी देख लीजिए भाई आप, ये है हमारा गुड़गांव का गोल्फ कोर्स रोड, एकदम मस्त। ऐसा लगता है कि बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर में गाड़ी चला रहे हैं भाई। फ्यूल इकोनॉमी जो शो हो रही है यहाँ पे इसकी 8.1 शो हो रही है, क्योंकि ये गाड़ी बार बार ट्रैफिक में, यार डीजल की 8.1 ना तो पेट्रोल की क्या हो गई, इसलिए मैंने पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं ली फ्रेंड्स। इसलिए मैं आज अब डीजल वाली गाड़ी ले रहा हूँ, और एक ही गाड़ी मेंटेन करेंगे। ये गाड़ी को मैंने एक्सलेट किया
और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड, इसमें लैग नहीं है। जैसे गाड़ी का अभी गियर भी शिफ्ट हो रहा होगा लेकिन लैग नहीं है। और अब फाइनली मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी लेने का प्रोग्राम बनाया। ऑटोमेटिक गाड़ी और मैनुअल गाड़ी में 2 लाख रुपए का फर्क है। तो ये आज स्पेशली मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी और ये मेरी बात को मान भी गए हैं। आज मेरे लिए डीजल वाली ऑटोमेटिक गाड़ी लगा रही है। अच्छी न्यूज़ क्या है आपको दे दूँ मैं आज, अपनी स्कॉर्पियो दिसंबर तक मुझे मिल जाएगी क्योंकि मैंने Z4 बुक किया है। अगर मैंने Z8 बुक किया होता तो ये मेरी गाड़ी को नवरात्रों में ही देने की कोशिश करते। टेम्परेचर भी इशू होता है, पता नहीं मेरी जो Z4 गाड़ी है उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे वो तो आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन मुझे एक बात पता चली है कि फ्रेंड उसके अंदर जो ये ORVM होते हैं ना, ये ऑटोमेटिक ही फोल्ड हो जाएंगे, जो मेरे को बहुत बड़ा इशू लगता था। लेकिन जब आएगी तभी देखूंगा, पर Z4 में ये ORVM ऑटोमेटिकली फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हमने लेना है तो ये मेरा इंडिकेटर है, ये मैंने इंडिकेटर दिया है। काफ़ी जो ये सामने इनका जो डिजिटल क्लस्टर दिया हुआ फ्रेंड, ये काफ़ी लाइवी लगता है देखने में, डेड नहीं है। ये हॉर्न भी ठीक है, इसका हॉर्न बजाया मैंने। अब इसमें मुझे गियर चेंज नहीं करना पड़ता भाई, और लगता है कि यार मैं बहुत ही ऊंची गाड़ी की सवारी कर रहा हूँ। आप थोड़ी सी गाड़ी को मैं तेज भगा के देखता हूँ भाई कैसे गाड़ी भागती है। ये एक बात तो भाई पक्की है, मैनुअल गाड़ी और ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने में ईज तो काफी है, ईजी लगता है गाड़ी। लेकिन इस गाड़ी में जैसे मैं चला रहा हूँ, खास बात मुझे क्या लग रही है जो शेयर कर लूं आपसे, लैग नाम का भी नहीं लग रहा मुझे तो। ये देखिए मैंने गाड़ी दौड़ाई है, ब्रेक भी काफी अच्छे इस गाड़ी के भाई, दौड़ती है गाड़ी। और Z4 में क्रूज भी है फ्रेंड्स, सिर्फ व्हील जो है वो 18 इंच के हैं, और सॉरी 17 इंच के हैं व्हील, जो कि मुझे थोड़ा सा लकोड़ लग रहा है। पर 17 इंच के मैंने देखे हैं, वो भी काफी बड़े लग रहे हैं। ये सामने हमारे जा रही है थार। अब देखो भाई महिंद्रा ने गाड़ियां तो बहुत सारी लॉन्च कर दी है, पर टाइम पे बुकिंग कर ले। इसके जो फ्रेंड जो सस्पेंशन भी है ना, वो भी अच्छे लग रहे हैं मुझे, ज्यादा आवाज इसमें आ नहीं रही है। कमांड भी अच्छी है स्टीयरिंग की। तो ये स्कॉर्पियो भैया पहले वाली स्कॉर्पियो से भी बहुत बड़ी हिट होने वाली है। जिस भाई को ये अभी मिल रही है ना डिस्काउंटेड रेट पे, इंट्रोडक्टरी प्राइस पे, अपने आप को लक्की समझे। उन लक्की लोगों में से हमारा भी एक नाम है भैया। मतलब लग नहीं रहा कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ। लेकिन एक बात है, ये गाड़ी मार्केट में आएगी ना तो लोग देखेंगे जरूर गाड़ी को मुड़ के कि भी स्कॉर्पियो आ गई। जैसे ही आएगी फ्रेंड लंबे ट्रिप पे चलेंगे उसको लेकर। तो सर कहाँ की ट्रिप लेने का? अभी मेरा भाई मेरा गोवा केरला और वेस्टर्न घाट पड़ता है गोवा में और मुंबई के पास महाराष्ट्र में। मेरा ये रह गया है कन्याकुमारी से गुड़गांव, तो मेरे दोस्त देख ही चुके हैं सारा टाटा सवारी से, बाकी जो भाई इससे करेंगे। स्टीयरिंग भी शायद Z4 में इलेक्ट्रिक है, ये इलेक्ट्रिक है, इजी बड़ा हल्का लग रहा है। ये सर आपका जैसे कि कुछ चेंजेस हुए हैं, अब मुझे भी अभी रीड करना में बहुत कोई नहीं, मुझे उम्मीद है कि मेरे को जो स्टीयरिंग है ना थोड़ा सा शायद इसमें हल्का मिलने की है, पता नहीं इलेक्ट्रिक है Z4 में कि हाइड्रोलिक है। ये मेरी सवारी में हाइड्रोलिक था जी। तो वेट करेंगे, मैं अभी देखता हूँ कि Z4 में मैंने स्टडी किया तो वो कह रहे हैं हाइड्रोलिक है, पता नहीं इलेक्ट्रिक है। अगर इलेक्ट्रिक हुआ तो और मजा आएगा, वैसे तो हाइड्रोलिक से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपडेट मैं आपको कर ही दूंगा जैसे गाड़ी आएगी, और उससे पहले Z4 की डिलीवरी काफी और हो जाएगी गाड़ियों की। लेकिन ये है कि यार बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है ना, टॉप एंड मॉडल को ही जरा जल्दी सी देती है, हम जैसे जो छोटा वाला। लेकिन Z4 भी मुझे भाई साहब 19 लाख का पड़ेगा ऑटोमेटिक, ये भी काफी अच्छा खासा अमाउंट है इतनी बड़ी गाड़ी के लिए, 7 सीटर के लिए इतना अमाउंट देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी 7 सीटर गाड़ी मार्केट में इस टक्कर में है ही नहीं। अगर आपको कोई भी 7 सीटर गाड़ी लेनी है फ्रेंड्स तो आपको मिलेगी ही नहीं इतनी बड़ी गाड़ी। आई थिंक क्रेटा और ये किया ये आती है 15 से 20 लाख की रेंज में। एक बात तो फ्रेंड पक्की है, डीजल गाड़ी में चला रहा हूँ जो लैग नहीं, लिख लो मेरे से कहीं बात ये
वरना मैंने गाड़ी चलाई थी बहुत, तीन सेकंड का लैग था उस गाड़ी के अंदर। 3 सेकंड तक गाड़ी आप एक्सलेट कर रहे हो, पता नहीं गाड़ी वैसे कहाँ जा रही है। तो मेरी तरफ से तो भैया इस गाड़ी को पूरे बटा पूरे नंबर है। अगर ये महिंद्रा और टाटा अपनी सर्विस थोड़ी सेट कर ले ना भाई, ठीक कर ले, तो भाई बाहर की गाड़ी को खरीदेगा नहीं। अगर मेरी गाड़ी का इंटीरियर देखता हूँ कैसा है, अगर नहीं होगा Z4 का इंटीरियर अच्छा, तो उसमें 50-60 जो लाख रुपये लगा के उसके इंटीरियर पे थोड़ा अच्छा काम कर लूँगा। मैं जैसे कि मैनुअल गाड़ी चलाता हूँ फ्रेंड्स, तो मेरा जो जब भी ऐसा मेरा हाथ ना बार बार जाता है इसके गियर नॉब के ऊपर, लेकिन थोड़े दिनों में हाथ पड़ जाएगी मेरे को। बहुत ईजी है चलाना गाड़ी को। अब की बार मैंने बहुत ही कम फीचर वाली गाड़ी ली है। यहाँ पे इन्होंने ये भी दिया भैया सनरूफ, रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है। मैंने जितनी गाड़ी चलाई है सारी फ्रंट व्हील चलाई है, अब की बार आपका भाई रियर व्हील गाड़ी चलाएगा और देखिए क्या फर्क है। और आपको ग्रास रूट लेवल से ना सारे मैं एक्सप्लेन शेयर करूंगा, चाहे क्रूज हो, चाहे इसकी माइलेज हो, चाहे इसके लुक हो, एक एक चीज कि ये इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है। टाटा सफारी की एक्चुअल में मेरी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm थी, क्योंकि जब भी मैं कोई 6 इंच की जाती है ना, तो बीच में उसके कोई ना वो इंजन को कवर करने के लिए कोई लगा गया है, जिससे कि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती थी। इसकी भी चेक करूँगा मैं आपको, जैसे मैंने टाटा सफारी को बताया था उसके गुण सारे बताए थे और कमियां बताई थी, ऐसे इसके सीट्स भी कंफर्टेबल हैं। जैसे मैंने अभी ट्रैफिक में चलाई ये गाड़ी, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मतलब मेरे को जैसे लगे क्या यार क्या गाड़ी चला रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल कोई बहुत ही मक्खन टाइप में गाड़ी चला रहा हूँ। और ये इंडिकेटर है गाड़ी का, हेडलैम्प वगैरह भी चेक करा दूँ आपको Z4 के कैसे हैं। हायर मॉडल में तो LED दे देते हैं, कमांड है गाड़ी की। तो भाई ये मेरा एक छोटा सा व्लॉग था, आज ले लिया मैंने ट्रायल, इन्होंने देना था मेरे को, बड़े दिनों से ड्यू था, डीजल वाली गाड़ी मुझे मिल नहीं रही थी ऑटोमेटिक, लेकिन DM मोटर्स वालों की भैया तारीफ करता हूँ मैं इस बारे में, इन्होंने मेरे लिए गाड़ी स्पेशल अरेंजमेंट की और आए और मुझे बुलाया, कौशिक जी आप गाड़ी ले लीजिए, क्योंकि टाटा वालों को तो पता है मैं यूट्यूबर हूँ, प्रमोट करता हूँ, लेकिन इनको अभी ऐसा मेरे से कोई फ्रेंडली है नहीं, पहली बार मतलब ठीक है, लेकिन थोड़े दिनों बाद ये भी जान जाएंगे, फिर इनसे भी मेरे रिलेशन वैसे ही बन जाएंगे। तो फ्रेंड थैंक यू वेरी मच, गाड़ी भैया बिंदास है, जिसकी आई टॉप लेते जाओ बिना सोचे समझे हुए, सक्सेसफुल गाड़ी है पूरी तरह से, कोई डाउट नहीं है, ये गाड़ी फेल होगी नहीं इंडिया में इतने सस्ते प्राइस में 7 सीटर। ये आ गया भैया गाड़ी का, तो फ्रंट भी उसका फ्रंट भी अच्छा है, लेकिन जो बैक साइड है ना गाड़ी के भाई साहब वो भी कम नहीं यार। मुझे तो पता नहीं गाड़ी ऐसी लग रही है कि भाई आज मेरी गाड़ी आ जाए और मैं इस गाड़ी को आज अपने घर ले जाऊँ, बहुत ही मतलब जैसे बहुत ही स्मार्ट हैंडसम गाड़ी लग रही है भाई ये देखने में। तो भाई वेट करते हैं कब अपनी गाड़ी आती है और कब अपने स्कॉर्पियो को हम घर लेके जाते हैं। ब्लैक कलर लिया है मैंने, अभी ट्रायल तो मैंने वाइट का लिया है, लेकिन वाइट गाड़ी नहीं ली है मैंने, अब की बार मैंने ब्लैक लिया भैया, और ब्लैक में तो ये गाड़ी बहुत सुंदर लगती है, मज़ा आ जाएगा। अभी टेस्ट ड्राइव होगी और बहुत ही बढ़िया मस्त गाड़ी है एकदम ये। इस गाड़ी को जो मैंने स्कॉर्पियो N को मैंने डीजल की गाड़ी को स्टार्ट किया है, फिर एक खास बात बता दूँ, गाड़ी में आवाज़ नहीं है, जैसे कि डीजल की गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो गाड़ी स्टार्ट होती है क्रैंक से लेती है, हिलती है गाड़ी, लेकिन फ्रेंड इस गाड़ी के अंदर ना ऐसा कोई वो नहीं आया मेरे को साउंड, मतलब ऐसे गाड़ी का अंदर नहीं आ रहा इंजन का, और बहुत ही साइलेंट लगी, पेट्रोल की इक्विलिटी लगी। और मैंने जब गाड़ी चलाई तो फ्रेंड सबसे बड़ी बात है इस गाड़ी के अंदर जो लैग होता ना, यह मेरे को फील नहीं हुआ। मैंने गाड़ी चलाई थी उस गाड़ी के अंदर 2-3 सेकंड लगते थे, आप रेस देते थे एक्सलेट करते थे, गाड़ी कहीं जाती कहीं कहीं रहती, तो मुझे डर था कि यार पहाड़ों वहाड़ों पर, लेकिन इस गाड़ी में जैसे मैं एक्सलेट करता था गाड़ी रिस्पॉन्स करके भागती थी। तो ये नंबर वन, दूसरा नंबर दो है कि इसमें आवाज़ नहीं है, बहुत ही रिफाइनमेंट वाला इंजन लगाया महिंद्रा ने, और रियली मैं काफ़ी खुश हूँ। तो कुल मिला के गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है, सीटिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है। देखो कमियां तो हर गाड़ी में निकाल सकते हो, लेकिन जिस रेट पे मुझे, अगर मैं ये ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं ख़रीदता तो ये गाड़ी मुझे 16-17 लाख रुपए पे मिल जाती मैनुअल गाड़ी घर पे 7 सीटर। तो आप बता दो 7 सीटर इतनी अच्छी गाड़ी कौन दे रहा भाई आपको, कोई भी नहीं दे रहा। छोटी छोटी हमारी जो क्रेटा है, हमारी जो सेल्टोज़ है,
बल्कि हैरियर भी नहीं आती इतनी में तो, और ये सेफ गाड़ी बनाई होगी, मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छी रेटिंग मिलेगी, एक सेफ गाड़ी मुझे मिल जाएगी मेरे परिवार के लिए। सनरूफ भी नहीं है, अब एक गाड़ी लेंगे हम डीजल वाली गाड़ी। तो फ्रेंड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि भाई किस दिन ये गाड़ी आए और हम बम पटाखे फोड़ें। दिवाली पे तो नहीं आएगी, लेकिन यह है कि दिसंबर में मेरे को नए साल से पहले ये गाड़ी हैंडओवर कर देंगे। तो फ्रेंड इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, देख लिया आप मेरा एक्सपीरियंस रियली में। मैं ये नहीं कर रहा कि देखो मैं कोई लाग लपेट नहीं हूँ, मैं कोई स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं करता हूँ। टाटा महिंद्रा ने मतलब ना तो टाटा ने मुझे 5 रुपये दिए, ना महिंद्रा वाले 5 रुपये नहीं देंगे, लेकिन ये गाड़ी काफ़ी बड़ी है, सही में ये SUV है, और मुझे लगता है कि जो सफारी की यादें मेरी खट्टी मिट्टी यादें रह गई हैं वो इससे कम हो जाएंगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही मेरे को यार, फिर आप बोलोगे बात बात कोशिश सफारी घुसा देते हैं, यार ये सफारी का प्राइस इतना बढ़ ही क्यों जा रहा है। अभी मुझे एक भाई का फ़ोन आया था हैदराबाद से, वो कह रहे हैं कि मुझे एडवेंचर पर्सोना वाइट कलर के लिए 29 लाख रुपीज़ की पड़ रही है भाई, 29 लाख रुपए की। अभी भाई ने जेट डाल दिया, अब जेट वाले में मुझे उम्मीद थी शायद ये 360 डिग्री कैमरा देंगे, भाई ने एक भी अपडेट सफारी में उन्होंने नहीं दिया, पता नहीं कुछ दिया हुआ, लेकिन भाई सारे वैसे अपडेट्स हैरियर के अंदर है, लेकिन 29 लाख 30 लाख जेट गोल्ड भाई पेशेंस ही चेक कर दिया। चलो कोई नहीं, मैं तो टाटा गाड़ी बेच चुका हूँ, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन टाटा सफारी मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत दोस्त मेरे टच में है जिन्होंने ली है, मेरे कहने पे ली है, मेरे व्लॉग देख के लिए। टाटा का अब हाई टाइम हो चुका है भाई, 360 डिग्री कैमरा डाल दो, अपडेट कर दो यार, जो नहीं हो रहे दूसरे लोग, और प्राइस को इतना बढ़ा दिया भाई, इतना बढ़ा रहा ज़्यादा लग रहा है मुझे यार। और अगर पेट्रोल में सफारी आ जाए कर दो यार, वैसे तो आने वाली है, और पेट्रोल में इनोवा भी आ रही है, पेट्रोल में फॉर्चुनर भी आ जाएगी शायद, तो टाटा सवारी भी पेट्रोल में आ जानी चाहिए फ्रेंड। तो बस इतना प्यार मोहब्बत देने के लिए, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मैं वैसे कभी व्लॉग में बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब कर दो यार। ये देखिए गुजर के सामने से XUV700, अब इसकी डिलीवरियाँ हो रही हैं भाई धड़ल्ले से। ये सामने देखिए खड़ी है मर्सिडीज़, BMW, ये सारा लग्जरी राइड है, शायद ये सेकेंड हैंड गाड़ियाँ देते हैं, पता नहीं मुझे पता नहीं, पर ये गाड़ियाँ ले तो लेते हो भैया, सस्ती मिल जाएंगी आपको 20-25 लाख में, पर की मेंटेनेंस महंगी होती है। तो फ्रेंड जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को, और भाई लंबे ट्रिप पे चलेंगे स्कॉर्पियो के साथ, हर एक चीज़ शेयर करूँगा, एक एक चीज़ शेयर करूँगा पहले दिन से लेके शोरूम से लेके और जब तक वो गाड़ी रहेगी, क्या मेरा एक्सपीरियंस है उनके साथ। तो यहीं पे व्लॉग एंड करते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।